बंगाल बीजेपी के सांसदों ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, क्या मुद्दे उठाए? हमारे साथ मौजूद है सांसद अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग मिलने आए थे? देखिए, वहाँ चुनाव तो होता नहीं है। एक तो पैरामिलिट्री की मात्रा बढ़ाई जाए, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट हों वो हाउस के अंदर न रहें, वो गेट पर रहें, उसके बाद पैरामिलिट्री रहे, उसके बाद सरकारी अधिकारी रहें, क्योंकि वही जाकर बटन टिपते हैं। तीसरा, जो नरेंद्र चक्रवर्ती जो वहाँ का MLA है मांडवेश्वर का, उसने ओपन थ्रेट किया है कि अगर वोट देने जाओगे तुम्हारा धंधा पानी बंद कर देंगे, घर उजाड़ देंगे, उसके खिलाफ उसको बैंड किया जाए। और चौथा जो है कि जो CCTV कैमरा जो लगती है उसके वेंडर जो आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो सब प्रभावित हैं, ये हम लोग का मुख्य डिमांड था। आप लोगों ने जो है जब पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी कई सारे आशंकाएं जाहिर की थी, उसके बाद में आप फिर एक बार जो केंद्रीय चुनाव आयोग आए हैं। देखिए, चुनाव आयोग कुछ कुछ बातों को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सारे भारत में चुनाव कराते हैं और कहीं कुछ नहीं होता, इसलिए इनको विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन समय धीरे धीरे इनको भी समझ में आने लगा कि वहाँ चुनाव नहीं, युद्ध होता है। तो ये हम उनको समझा पाए हैं कि भाई युद्ध ही होता है, आप चुनाव करवाइए। तो क्या जो है आप केंद्रीय चुनाव आयोग को ये समझाने में कामयाब हो गए? आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हम डिमांड किए हैं, हम तो जनरल डिमांड किए हैं, हम तो कोई ऐसा नहीं कि आप हमारे लिए बूथ दखल कीजिए, तो अगर ये करते हैं तो लगेगा कि ये समझ गए। लेकिन आप लोगों की आशंकाएं ये क्यों है? क्या जो पिछले विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसके उससे आप लोगों को लगा से कोई मतलब है? चुनाव देखिए, पैरामिलिटरी ममता बनर्जी के चुनाव में 27 कंपनी फोर्स थी, लेकिन वही था कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया था, वहाँ वोट ही नहीं हुआ था, पुलिस वाले फॉल्स आई कार्ड बना के वोट दे रहे थे। तो ये सारी आशंकाएं हम लोगों ने इनको बताई। तो आप केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई भरोसा मिला है क्या? उन्होंने भरोसा दिया कि हम फ्री एंड फेयर करा देंगे, आपके सारे डिमांड पर विचार करेंगे, देखें क्या कर सकते हैं। तो साफ तौर पर बंगाल बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग की है। गौरतलब है कि आसनसोल में जो है उपचुनाव होना है और उसको लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो बीजेपी की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उसी को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की और मांग की है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाया जा सके। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, IBP News, दिल्ली।